नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा का रदम करार दे दी। नैब ने साबित करना था जायदादों की खरीदारी के लिए नून लीग कायद ने अदायगी की, सजा मफरूजे की बुनियाद पर सुनाई गई, फैसले में भी सबूत के बजाय उमूमी बात लिखी गई। वकील अमजद परवेज के दलाइल, ये सारा काम प्रोसिक्यूशन का है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपील भी वापस लिए जाने पर खारिज। मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था, बरियत पर मालिक का शुक्रगुजार हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर नवाज शरीफ का रद्देअमल, मरियम नवाज ने कहा, जब इंसान अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता है तो सुरखरू हो जाता है। सियासी इंतकाम लेने वालों के पांव खड़ गए, शहबाज शरीफ की बरियत पर मुबारकबाद। एमक्यूएम और नून लीग एक दूसरे से तावन बढ़ाने पर मुत्तफिक, दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात में सिंध की सियासी सूरतेहाल और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत। मुतहदा के रहनुमाओं ने मुजवजा आईनी तरामीम का मुसवदा भी पेश कर दिया। सरबरा तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार, बैरिस्टर गौहर पीटीआई चेयरमैन के लिए उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर अली जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हफ्ते को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बल्ले का निशान छीनने का मौका नहीं देंगे। और गजा के अवाम से यकजहती के लिए कराची में फलस्तीन मार्च नुमाइश चौरंगी पहुंचकर इख्तिताम पजीर, सियासी समाजी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।